Start with the name of Almighty Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Lesson 2. Subject Pakistan Study. Objective. Sources of Ideology. नजरिए के माखज उर्दू में कहा जाता है. Need and significance of ideology. नजरिए की अहमियत व ज़रूरत. Important points. उर्दू में कहा जाता है. अहम नकात. लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. MCQs, टॉपिक वाइज प्लस एक्सरसाइज वाइज. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए, जैसे कि आपने प्रीवियस लेक्चर में भी सुना था, कि सबसे पहले मैंने आइडियोलॉजी से स्टार्ट किया था. इसमें भी यानी कि आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान क्या चीज होती है. यानी कि सबसे पहले यानी कि डिफिनीशन में आपको आइडियोलॉजी के बारे में यानी कि नज़रिए के बारे में पता होना चाहिए. और ये आपकी फर्स्ट जो है हेडिंग भी बन जाएगी कि नज़रिया क्या चीज़ होती है. द कॉमन थिंकिंग ऑफ ऑल मैन इन अ सोसाइटी विच बेसिस ऑन समथिंग इज कॉल्ड आइडियोलॉजी. किसी भी माशरे में लोगों की इज्तमाही सोच और फिक्र नज़रिया कहलाता है या कहा जाता है. यानी कि जो सोसाइटी होती है, जो माशरा होता है, उसके अंदर यानी कि लोगों की जो मिलजुल कर सोच होती है, यानी कि उनकी एक थिंकिंग होती है, सेम यानी कि कॉमन थिंकिंग जो होती है, वो उस यानी कि क्या कहलाता है, नज़रिया कहलाता है. सोर्सेस अब इसके अंदर सेकंड जो आपके पास आ रहे हैं, जो टॉपिक आ रहा है, यानी कि इसके अंदर सेकंड जो पार्ट आता है वो है जी सोर्सेस ऑफ आइडियोलॉजी. सबसे पहले हमें यानी कि नजरिए के माखज, यानी कि हमें पता होना चाहिए कि नजरिए के माखज क्या है या माखज किसे कहा जाता है. ठीक है, अब जी माखज का मतलब होता है निकालना, या इसको कहते हैं सोर्सेज ऑफ एलिमेंट्स, इसको कहा जाता है. माखज का मतलब होता है निकालना वो जगह जहां से कोई चीज निकले, यानी कि हिस्से या पार्ट्स. ठीक है जी, अब सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे. यानी कि हमारे पास यानी कि सोर्सेज ऑफ आइडियोलॉजी क्या होती है, यानी कि नजरिए के माखज क्या चीज होती है. द एलिमेंट दैट फॉर्म एन आइडियोलॉजी आर कॉल्ड इट्स सोर्सेज. वो अनासर जो नजरिए को तश्कील देते हैं उसे माखज, वो उसके माखज कहलाते हैं. अब यानी कि सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि कोई भी सोर्सेज या कोई भी जो एलिमेंट्स हैं किसी भी कौम के अंदर, यानी कि जो पाए जाते हैं वो उसका यानी कि वजूद में आते हैं, यानी कि कौम में होते हैं, वो उसका यानी अनासर कहलाते हैं, यानी कि उसका नजरिया कहलाते हैं. यानी कि चार पॉइंट्स हमारे पास इसके अंदर आते हैं. अब जी मैनी एलिमेंट्स प्ले देयर रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ आइडियोलॉजी. इट इंक्लूडेड रिलीजियस एंड मॉरल वैल्यू, कल्चर, सिविलाइजेशन एंड सोशल कस्टम. अब इसका मतलब क्या बच्चे, डियर स्टूडेंट्स, का मतलब यह है कि नजरिए की तश्कील में कई अनासर करदार अदा करते हैं. यानी कि जो नजरिया होता है, जो अनासर होते हैं, यानी अनासर का मतलब हिस्से या जोड़ या सोर्सेज ऑफ आइडियोलॉजी, जो जिससे बनते हैं नेशन के लिए, कौम के अंदर पाए जाते हैं या उस कौम का नजरिया कहलाता है, जिनमें मतलब जिसे यानी कि जिनमें मजहबी और इखलाकी इकदार, सकाफत, तहजीब, तारीख और माशरती रवायात शामिल है. यानी कि हमारे पास यानी कि ये चार जो चीजें हैं किसी भी यानी कि पाई जाती हैं. अब जी उसके बाद यानी कि चूंकि हर कौम की मजहबी इकदार और तहजीब, तारीख और माशरती रवायात अलग अलग होती हैं, यानी कि कोई भी नेशन है, कोई भी कौम है, उसकी यानी कि जो मजहब, रिलीजियस, तहजीब, तारीख और यानी कि उसकी जो माशरती जो रवायात है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है. इसलिए उनके नजरियात भी क्या होते हैं, एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं. यानी कि उनके जो नजरियात होते हैं, उनके
जो आइडियोलॉजीज होती हैं वो एक दूसरे से मुनफरिद होती हैं, यानी कि मुख्तलिफ होती हैं। अब जी तीसरी चीज आ जाती है हमारे पास इसी क्वेश्चन के अंदर, नीड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ आइडियोलॉजी, यानी कि नजरिए की जरूरत व अहमियत। आइडियोलॉजी क्रिएट्स यूनिटी एमंग द मेंबर्स ऑफ अ नेशन एंड गाइड्स द नेशन इन द राइट डायरेक्शन, यानी कि नजरिया किसी भी कौम के अफराद में अतात व जनागत और कौमी मकासद के असूल के लिए सही सिम में रहनुमाई का बहास बनता है। यहां पे यानी कि अतात का मतलब यूनिटी, इनाक का मतलब प्यार मोहब्बत, यानी कि कोई भी यानी कि किसी भी कौम का जो नजरिया होता है वो अफराद के अंदर यूनिटी यानी कि इत्तेफाक पैदा करता है, और प्यार मोहब्बत यानी कि जो उसका असूल होते हैं, फिर यानी कि उसकी जो सरपरस्ती करते हैं, उसकी जो सिमत होती है वो, उसकी डायरेक्शन जो होती है वो उसको बताता है। नजरिया यानी कि आगे इसके जो हमारे पास आते हैं नजरिया जिन कौमी मकासद के असूल में मावन साबित होता है। इंपॉर्टेंस पॉइंट्स, अहम नकात, सबसे पहले हमारे पास यानी कि आ जाती है जी अहम नकात में हमारे पास आ जाता है इंपॉर्टेंस पॉइंट्स में हमारे पास आ जाता है सबसे पहले नेशनल यूनिटी, जिसको हम उर्दू में क्या कहते हैं, कौमी इतिहाद कहते हैं जी। सबसे पहले यानी कि इसके जो नकात में हमारे पास जो चीज आती है नेशनल यूनिटी आता है, उसमें सबसे पहले हमारे पास कौन सा पॉइंट आ गया, कौमी इतिहाद आ गया। आप जी यानी कि इसको इंग्लिश में सबसे पहले डिस्क्राइब करेंगे, आइडियोलॉजी प्ले द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन कीपिंग द मेंबर ऑफ अ सोसाइटी और अ नेशन यूनाइट, यानी कि उर्दू में इसका मतलब यह होगा नजरिया किसी माशरे या कौम के अफराद को मुतहद रखने में सबसे अहम किरदार अदा करता है, क्योंकि जब माशरे या कौम के अफराद की सोच एक जैसी हो तो उनमें मिसाली अताद कायम होता है और इख्तियालात कम हो जाते हैं। यानी कि सबसे पहले इस पॉइंट का मतलब यह है कि जो नजरिया है, जो आइडियोलॉजी है, सबसे पहले जो नेशन है, जो कौम है, उसको यूनाइट करती है, यानी कि उसको आपस में मिलाती है। नंबर दो, दूसरा पॉइंट हमारे पास आ गया कंस्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस, यानी इसका मतलब उर्दू में आइन साजी, यानी कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मुल्क के लिए यानी कि कंस्टिट्यूशन आइन के लिए काम करना, आइन बनाना। आइडियोलॉजी गाइड्स द नेशन इन फॉर्मुलेटिंग देयर कंस्टिट्यूशन एंड अदर स्टेट लॉज, यानी कि उर्दू में इसका मतलब यह होगा नजरिया मुल्की आइन और दीगर कानून बनाने में कौमों की रहनुमाई करता है, नजरियाती कौमों में कानून साजी में मुश्किल पेश नहीं आती क्योंकि नजरिए की शक्ल में उनके सामने बुनियादी रहनुमा असूल पहले से मौजूद होते हैं। यानी कि आइडियोलॉजी जो है वो मुल्की आइन यानी कानून बनाने में भी क्या करती है, सरपरस्ती करती है, यानी कि बनाने में मदद करती है। तीसरा पॉइंट आ गया हमारे पास जी प्रोटेक्शन ऑफ कल्चर, तहजीब और सकाफत की हिफाजत। आइडियोलॉजी गाइड्स द कल्चर सिविलाइजेशन सोशल एंड रिलीजियस वैल्यू ऑफ अ नेशन। उर्दू में बच्चे इसका मतलब यह है डियर स्टूडेंट, नजरिया कौमों की सकाफत तहजीब माशरती और मजहबी इकदार की हिफाजत करता है। नजरियाती कौमें मनफी अंदरूनी बैरूनी असरार और गल रजलात से महफूज रहती हैं, यानी कि जिनका कोई मकसद होता है, जिनका यानी कोई अहम होता है, यानी कि वो किसी भी जो बुरे रजलात हैं या कोई इस तरह का गलत काम है उससे वो हमेशा सेफ यानी कि मजबूत रहती हैं।
हमारे पास करेज इन डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी कि इसका मतलब यह है मुश्किल हालात का सामना करना, यानी कि टफ से टफ सिचुएशन आ जाए, मुश्किल से मुश्किल यानी कि हालात आ जाए उनको फेस करना, यानी कि उनका सामना करना। एक बहादुर कौम वही होती है जब वो मुश्किलात में अपनी रियासत और रियासत के अंदर रहने वाले जो अवाम है उनका क्या करे, यानी कि उसकी मुश्किलात को हल करे, सॉल्व करे, डिफिकल्टी को फेस करे। इंग्लिश में बच्चे इसको कहते हैं आइडियोलॉजी क्रिएट द एबिलिटी अमंग द नेशन टू फेस डिफिकल्टीज कैपेबिलिटीज डिफिकल्टीज कंडीशंस एंड टू रिसॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। नजरिया कौमों में मुश्किल हालात का सामना करने और मुश्किल को हल करने के लिए पैदा करता है, यानी कि जो आइडियोलॉजी होती है जो नजरिया होता है वो हमेशा यानी कि जो मुश्किल हालात होते हैं उनमें यानी कि हिम्मत नहीं आने देता बल्कि क्या हौसला पैदा करता है और जो प्रॉब्लम होते हैं जो मसाइल होते हैं उनको हल करने की कोशिश करता है। और जो नजरियाती कौमें होती हैं यानी कि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी वो अपनी हिम्मत नहीं आती और अपने मसाइल का हल अपने नजरिए की रोशनी में ढूंढती है। अगला पॉइंट हमारे पास बच्चे आ गया नेशनल आइडेंटिटी कौमी शनाख्त, यानी कि अगला जो पॉइंट आ गया कि यानी कि शनाख्त पहचान जिसको हम कह सकते हैं शनाख्त कह सकते हैं। इंग्लिश में कहते हैं जी आइडियोलॉजीज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग नेशनल आइडेंटिटी मेक अ नेशन डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर्स। नजरिया कौमी शनाख्त और करदार की तश्कील में अहम करदार अदा करता है और किसी भी कौम को बाकी अकवाम से मुमताज करता है, यानी कि जो आइडियोलॉजी है यानी कि ये भी हमारी क्या पहचान है, यानी कि जो यानी कि शनाख्त है उसके अंदर वाइटल रोल प्ले करती है, यानी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना जिसको हम कह सकते हैं बच्चे। अगला पॉइंट है पर्पसफुल लाइफ, जिसका उर्दू में मतलब है बामकसद जिंदगी, और यानी कि यहां पे कोई ना इंसान की जिंदगी का कोई ना कोई मकसद होता है जब वो इस दुनिया में आता है, ठीक, और जब वो अपना मकसद पूरा करते हैं तो अल्लाह पाक उसकी जो मुश्किलात है या उसकी जो मंजिल है उसको वहां तक पहुंचा देते हैं। आइडियोलॉजी मोटिवेट्स अ नेशन लीड अ पर्पसफुल लाइफ। नजरिया कौम को बामकसद जिंदगी की तरकीब देता है, यानी कि जो आइडियोलॉजी है यानी कि वो जो नेशन है जो कौम है तरकीब देना तरतीब देना यानी कि एक सीक्वेंस में देना, यानी कि उनकी जो लाइफ है जो कौम है यानी कि वो अपनी लाइफ एक मकसद के मुताबिक स्पेंड करें, यानी कि एक मकसद के मुताबिक गुजारें। अगला पॉइंट बच्चे आता है हमारे पास प्रोटेक्शन ऑफ नॉलेज एंड गाइडेंस, यानी कि इल्म और अमल की तरफ रहनुमाई करना, यानी कि ये जो पॉइंट है प्रोटेक्शन ऑफ नॉलेज एंड गाइडेंस, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया इल्म और अमल की तरफ रहनुमाई करना, यानी कि इल्म सीखना अच्छे तरीके से सीखना, यानी कि इसका उर्दू में मतलब मैं बता रहा हूं क्या मतलब निकलेगा, नजरिया इल्म और अमल की रहनुमाई करता है और मादी तरक्की के साथ साथ रवैयत और इंसानी हमदर्दी की राह दिखाता है, यानी कि इल्म जो होता है वो हमें एक अच्छा रास्ता दिखाता है, यानी कि जब जाहिर सी बात है कि जब हम इल्म सीख लेते हैं तो हमें अच्छे और बुरे की पहचान का पता चल जाता है और फिर हम यानी कि अच्छाई की तरफ गामजद होते हैं, अच्छे काम करते हैं और उसके साथ साथ यानी कि हमें दूसरों के साथ यानी कि जो इंसानी दर्दी है उसकी राह भी दिखाते हैं, यानी कि हमारे पास यानी कि लोगों के साथ कोऑपरेशन करना, कोऑपरेट करना, मदद करना, हेल्प करना, यानी कि ये सारी रास्ते हमें क्या चीज सिखाती है, इल्म सिखाती है।
इल्म सीख कर उस पर अमल भी करना चाहिए, ताकि यानी कि जब हम इल्म सीखते हैं, इल्म तो हमें अच्छी राह दिखाते हैं, लेकिन जब तक हम उसके ऊपर वर्क नहीं करेंगे, अमल नहीं करेंगे, तो हमें किसी भी बात का नहीं पता चलेगा। जब हम अमल करेंगे, जाहिर सी बात है कि इल्म हमारे पास, यानी कि कोई भी इल्म हो, चाहे वो दीनी हो या दुनियावी हो, तो वो इल्म हमेशा हमें अच्छी ही रास्ता दिखाता है, यानी कि वो अच्छे रास्ते की तरफ हमें गामजद करता है। तो इस तरह बच्चे आज का जो आपका टॉपिक है, यानी कि वो हमारा यानी क्या टॉपिक था, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव्स है, मैं वंस अगेन आपको रिपीट कर देता हूं कि आपके सामने यानी कि मैंने जो चीजें बयान की, जो चीजें मैंने आपके सामने रखी, ठीक है, यानी कि वो हमारे पास छह चीजें आ जाती हैं, यानी कि इसमें सात पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। तो इस तरह बच्चे आपका ये फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आज कंप्लीट हो गया। इसमें आप टॉपिक वाइज भी मैंने आपको सारी चीजें डिस्कस कर ली, और ये आपका टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी बनता है, और ये क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन भी है, और इसी तरह इस टॉपिक के अंदर आपके एक्सरसाइज वाइज भी एमसीक्यूज क्लियर हो रहे हैं, और इसी तरह आपके पास जो है वो टॉपिक वाइज भी एमसीक्यूज क्लियर हो रहे हैं। थैंक यू सो मच।